रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ आज एक मज़ेदार सी चाय, कड़क मसाले वाली चाय जो हम रोज़ा खोलने के बाद पी सकते हैं। बहुत अच्छी और मज़े की बनती है, इससे आपको थकन नहीं होती। इसमें दालचीनी, अदरक है, इलायची है, तीनों चीज़ें आपके जिस्म में थकन नहीं होने देगी। पत्ती ली एक चम्मच, दालचीनी के दो टुकड़े हैं, अदरक है और इलायची है तीन से चार, चीनी हसबे ज़रूरत, और एक गिलास मैंने दूध लिया है। यहाँ मैंने 2 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं पत्ती डाल दूँगी, मसाला डाल देंगे, अदरक, दालचीनी, छोटी इलायची, चीनी डाल देंगे, हसबे जायका चीनी आप ले सकते हैं। इसको हम पकने के लिए रख देंगे ढककर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए। कावे को हम चेक कर लेते हैं, कावा में बॉयल आ गया है। इसमें मैं दूध डाल दूंगी, दूध डालने के बाद भी इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है एक गिलास, अब मैं इसे ढककर पका लूंगी 10 से 15 मिनट और हल्की आंच पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। चाय को हम चेक कर लेंगे, चाय हमारी रेडी हो गई है और बहुत अच्छा इसका कलर आया है और बहुत कड़क बनी है, बहुत मज़े की बनी है। तो आपने भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। रोज़े के बाद आपको पता है बस फ़ौरन दिल करता है कि एक कप चाय का हो मज़ेदार सा कड़क। तो इस रेसिपी से आप बनाएं। मैं इसको निकाल लूँगी कप के अंदर, या मैं चाय निकाल लूँगी कपों के अंदर। यहाँ रेडी हो गई हमारी मसाले वाली कड़क चाय, बहुत अच्छी और मज़े की बनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो आपने भी एक बार इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करनी है, इफ्तार में आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।